वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज़म मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान मीरपुर शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए खुसूसी इकदाम किए गए और डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मनसूबाजात मुकम्मल किए गए। 145 कनाल रकबा पर मुहित आसवा भुट्टो पार्क की तामीर 7,37,16,328 रुपए से मुकम्मल की गई। मीरपुर शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में शजरकारी पर 74,78,940 रुपए खर्च किए गए। डेवलपमेंट ऑफ पार्क फुटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल एकेडमी के मंसूबे पर 95,92,812 रुपए खर्च किए गए। सेक्टर D4 के तमाम पार्ट्स में PCC लिंक रोड ड्रेन रेटिंग वॉल पर 73,18,939 रुपए खर्च हुए। इन तमाम मनसूबाजात की तकमील से न सिर्फ मीरपुर शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ बल्कि आवाम को तफरीह के लिए बेहतर सहूलियात वाली जगह भी मुयसर हुई। वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर में मेरठ की बालादस्ती कायम करते हुए गुड गवर्नेंस के नफाज के लिए करप्शन के तमाम चोर रास्ते बंद कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून आमदा इंतखाबात में रियासत में तामीर तरक्की और अवामी खुशहाली जैसे तारीखी इकदाम करने पर दोबारा कामयाब होगी। वज़ीर बराए शहरी दिफा और SDMA अहमद रजा कादरी। वज़ीर सनअत व हरफ़त आज़ाद कश्मीर मोहतरमा नौरीन आरफ बुलंदरी में DIG सरदार अलियास मरहूम के घर गयी और सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने सरदार अलियास खान की खिदमत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सरदार अलियास खान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफसर थे, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अवाम मारेंगे या मर जाएंगे मगर इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। तहरीके इंसाफ मुसाफिरों का टोला है जिसमें कई धड़े हैं। पीपल्स पार्टी शुहदा की जमात है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर। इसराइल में कदीम तरीन मसाजिद में से एक के आसार दरियाफ्त। इसराइल के शहर तिबरिया के मजफ्फात में बहरुल जलील के साहिल पर बाजंतीनी सल्तनत के दौर की एक इमारत की बाकियात के नीचे मस्जिद के आसार दरियाफ्त हुए हैं। इन आसार की मजीद खुदाई के दौरान यहां से इस्लाम के इब्तदाई दौर के सिक्के और बर्तनों के टुकड़े भी दरियाफ्त हुए। अब मत पुलिस एहलकार ख्वाजा सरा को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। किसी भी ख्वाजा सरा को पुलिस का मुतलका जिंस का ख्वाजा सरा एहलकार ही गिरफ्तार कर सकेगा। नए कवायद लागू, जबकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत इंसानी हकूक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए कानून के मुताबिक अब तमाम सरकारी दफातर में ख्वाजा सराओं की अलहदा कतारें लगेंगी। हज और उमरे की अदायगी के लिए ख्वाजा सराओं को सहूलियात दी जाएंगी। ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा दारुल अमान बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। एक शख्स की मीरपुर और एक शख्स की भिम्बर में कोरोना वायरस की वजह से मौत वाकया हुई। 15 मरीज सेहतयाब हुए और 270 अफराद के कोरोना वायरस के शुबे में मजीद टेस्ट लिए गए। नए सामने आने वाले केसेज में से 10 का ताल्लुक मीरपुर से, 8 का कोटली, 6 का भिम्बर, 5 का पुंछ, जबकि एक मरीज का ताल्लुक जिला बाग से है। मौसम सरमा में रोजाना एक चम्मच देसी घी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना मुफीद है। सर्दियों में जड़ वाली सब्जियां, गाजर, मूली, आलू, प्याज और लहसुन का इस्तेमाल मुफीद है। सर्दियों में शहद को नाश्ते में रोटी और देसी घी के साथ लें। मौसम सरमा में गर्म मसाले का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्म मसाले खांसी, जोड़ों में दर्द और दीगर जिस्मानी मसाइल में फायदा पहुँचाते हैं। दुनिया का मुनफरिद स्मार्ट फेस मास्क। ये मास्क न सिर्फ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकेगा बल्कि इस फेस मास्क में एम्पलीफायर नस्ब है जो म्यूजिक के साथ आपस में बात करने में भी मुआवनत करेगा। मास्क में मौजूद एक्टिव वेंटिलेशन ताज़ा हवा में सांस लेने की सहूलत फराहम करती है, जबकि ये मास्क आज खुद अपना रंग भी बदल लेता है। मास्क में बिल्ट इन माइक और लाइट्स भी दी गई हैं। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का बगैर ऑक्सीजन K2 सर करने का फैसला। पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सकपारा ने पाकिस्तानी कौम से दुआ करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि हम आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, K2 बगैर ऑक्सीजन सर करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। याद रहे कि K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है, जो कि बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से 200 मीटर कम है, लेकिन मौसम सरमा में K2 के हालात जानलेवा होते हैं।